यहाँ चला है सेवाग पुल का काम काफी तेजी से। मैं आज आया हूँ सेवाग पुल के पास, ब्यास नदी के किनारे। थोड़े पत्थर इकट्ठा कर रहा हूँ गमलों की सजावट के लिए। ये थोड़े से इकट्ठे कर लिए हैं, अभी मुझे ये पूरा बैग भरना है। यहाँ देखिए राफ्टिंग शुरू हो चुकी है। दरिया काफी शांत है इसलिए राफ्टिंग आरंभ हो चुकी है। यहाँ मैंने गमलों के लिए काफी पत्थर इकट्ठे कर लिए। खूबसूरत से खूबसूरत पत्थर यहाँ और दिख रहे हैं, किंतु आज के लिए इतना ही काफी है, उठाए नहीं जाएंगे गाड़ी तक। रेत मैंने पुल के पास एक छोर पर इकट्ठा कर लिया था पौधों के लिए ही, और पत्थर यहाँ ब्यास नदी के किनारे सेवाग पुल के पास मैंने इकट्ठे कर लिए। तो अब चलता हूँ, देखता हूँ उठाए जाएंगे या नहीं। ओह काफी भारी है, काफी भारी है, उठा सकता हूँ दोनों हाथों से। यहाँ पीछे कुछ कामगार काम कर रहे हैं, इशारों से कुछ बात कर रहे हैं। चलो मैं सामने जाके आता हूँ, सामने उनके पास, और देखता हूँ क्या वो कहना चाहते हैं। पुल का काम चल रहा है, पुल का काम। चलो ले चले कुल्लू, मैं ही पत्थर ढूंढने आया था, छोटे छोटे पत्थर लिए गमलों के लिए, गमले के लिए। रेत यहाँ मिल गया और पत्थर यहाँ मिल गए। तो ये कुछ साथी हैं, अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ। आप तारे लगा रहे हैं यहाँ, तारे लगा रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजदूरों से ही तो सारा काम होता है। चाय पीनी तो चलो, आ जाओ चलो चाय पीनी तो। ओके, सेवाग पुल के पास ये बह रही है, मेरे पीछे ब्यास नदिया। ब्यास दरिया बड़ा खूबसूरत है, लेकिन पीछे बरसात में ये पुल बह गया था, जिसका नए सिरे से अभी निर्माण किया जा रहा है। आशा है बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और आसपास के लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी इस पुल से आने जाने की। मजदूरों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अभी चलता हूँ अपने बैग की ओर। ये देखिए बैग छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से भरा हुआ यहाँ रखा है मैंने, इसको उठा लेता हूँ और चलता हूँ इस ओर। काफी भारी है ये। देखिए मेरे पीछे चल रहा है सेवाग पुल का पुनर्निर्माण कार्य। हालांकि गाड़ियों के आने जाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है पैदल यहाँ से आया जाया जा सकता है, लोग क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं। ये महिलाएं यहाँ से जा रही हैं, इसका मतलब पैदल यहाँ से आने जाने का रास्ता खुला हुआ है। थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि काफी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है नदी के किनारे का, जहाँ काम शुरू हुआ है। ये देखिए महिलाएं बड़े आराम से यहाँ से निकल गई और इसी पुल से होकर ये जाएंगी आगे सामने राइट बैंक की ओर, मनाली कुल्लू रोड। खुशी हुई, नमस्कार। आप यहीं से? अच्छा अच्छा अच्छा, रिटायर हो गया? मैं रिटायर हो गया 2019 में। हाँ 19 में रिटायर हो गया। अभी क्या मुआयना कर रहे हैं? अच्छा इंतजार कर रहे हैं किसी का। अच्छा अच्छा, कहाँ? सेवाग से ही आप? अच्छा अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। शुभ नाम आपका? देवराज नेगी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये देखिए नेगी जी से मिलने मैं जा रहा हूँ इधर से, रास्ता बड़ा अजीब सा है, पक्का होगा कि नहीं पता नहीं। नमस्कार नेगी साहब, बहुत अच्छा लगा। अच्छा यूनिवर्सिटी में आप कब पढ़े? 87 तक पढ़े। हाँ मैंने भी एमफिल किया था, घनश्याम जी भी मेरे साथ ही थे। आप हिंदी में? मैं हिंदी में था। आप पॉलिटिकल साइंस में थे? अच्छा, तो नेगी साहब ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, एमफिल हिस्ट्री में किया। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। अच्छा घनश्याम जी पढ़े आपके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा,
बहुत अच्छा लगा यहाँ। मैंने सोचा पता नहीं मुआयना तो नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब आने जाने के लिए, पैदल आने जाने के लिए रास्ता है। और नहीं सब आनंद है, मिलिए कभी, मैं कुल्लू नहीं होता हूँ। सेवाग पुल के पास मुझे एक खूबसूरत नर्सरी यहाँ दिख रही है। मैं सोचता था कि माहौल में ही नर्सरी है, लेकिन यहाँ अगर नर्सरी नज़र आ रही है तो चलो देखाता हूँ इस नर्सरी में क्या है। ये खाली खाली सी लग रही है, लेकिन ये शायद यहाँ है। कुत्ता मालिक नज़र नहीं आ रहे है, तो इस ट्विन मल्टी फ्लोरा नर्सरी में मैं नहीं जा पाऊँगा फिलहाल, बाद में से ही। नो नो नो, ये देखिए ये ट्विन्स मल्टी फ्लोरा, लेकिन यहाँ कोई नहीं है कुत्तों के सिवाय, तो बाय। तो यहाँ तो कुत्ते ही कुत्ते हैं, दो दो, और मैं तो बच गया। तो चढ़ता हूँ गाड़ी में अपनी और चलता हूँ कुल्लू की ओर, फिर किसी दिन आऊँगा संपर्क करके। कुत्तों ने तो बुरी तरह से डरा दिया था, लग रहा था कि अभी पड़ जाएंगे, लेकिन बच गया, शुक्र है कि आगे नहीं आए। तो चलिए चलता हूँ कुल्लू की ओर। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश ठाकुर। तो मैं अभी यहाँ आया स्पाइस गार्डन में, जोगिंदर जी का ये स्पाइस गार्डन है। यहाँ रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ है। तो थक गया था अभी, इतना काम मैंने किया उन पत्थरों को और रेत को चुनने का, तो सोचा यहाँ थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए। जल तो ये है, पान अभी ये लेके आएंगे। बेटा कॉफ़ी पिलाना है ना, और कॉफ़ी बना दो, ठीक है? ओके, थैंक यू। देखिए काफ़ी अच्छा प्राकृतिक वातावरण यहाँ स्पाइस गार्डन में बनाया हुआ है। यह है सेवाग के पास ही थोड़ा सा, बहुत खूबसूरत। कभी आए तो ज़रूर यहाँ आए आप भी। तो स्पाइस गार्डन को बोलता हूँ बाय और चलता हूँ कुल्लू की ओर। लीजिए घर में आकर पहुंचकर पत्थरों को धोने का काम शुरू कर दिया है मैंने। ये थोड़े से कुछ धो लेता हूँ। देखिए कितने रंग बिरंगे पत्थर हैं, या तो अमेजोन से मंगा सकते थे रंग बिरंगे पत्थर, या तो नर्सरी से ले लेता। लेकिन ध्यान आया कि यहाँ हमारे पास जब इतने खूबसूरत पत्थर नदी के किनारे हैं, तो कहीं से खरीदने की क्या जरूरत है। लीजिए कंकर पत्थरों की हो गई छंटाई। ये हीरे मोती जवाहरात नहीं है, लेकिन उससे भी महंगी चीज़ है। वही पत्थर जो मैं देर रात से चुनकर लाया हूँ।